जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं हम, और इसमें पेशी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। पेशी ऊतक में कंकाली पेशी ऊतक हमने पढ़ लिया था, और इसके बाद आता है चिकनी पेशियां ऊतक। चिकनी पेशी ऊतक इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के ऊतक में स्मूथ मसल्स आएंगी। तो चिकनी पेशी ऊतक में हम ऐसे ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे जो शरीर के भाग हैं, शरीर के जो अंग हैं, उनके आंतरिक सतह को, आंतरिक भागों का निर्माण करती हैं इस प्रकार की पेशियां। ठीक है, चिकनी पेशी ऊतक, इसके बारे में हम लिखना शुरू कर देते हैं कि इसमें शरीर के आंतरिक अंग, जैसे जो शरीर के आंतरिक अंग है वो आएंगे सब में, इसमें शरीर के आंतरिक अंग जैसे आहार नाल का शरीर का एक आंतरिक भाग है, आंतरिक अंग है। ठीक है, और जनन अंग आदि की भीतरी दीवार, आदि की जो अंदर वाली दीवार, उसका निर्माण ये करते हैं। ठीक है, आदि के जनन अंग आदि की भीतरी दीवार पर ये ऊतक पाया जाता है। ठीक है, शरीर के आंतरिक अंग है ना, ये इसमें हटा देंगे यहां से हम, तो अपनी लैंग्वेज से हो जाएगी। शरीर के आंतरिक अंग जैसे आहार नाल, जनन अंग आदि की भीतरी दीवार पर ये ऊतक पाया जाता है, चिकनी पेशी ऊतक के बारे में। ठीक है, इसमें धारियां नहीं होंगी, अगर धारियां नहीं होंगी तो कैसा होगा ये, अरेखित। तो धारिया वाला था उसको हम रेखित कह रहे थे, तो इसमें धारियां नहीं होती हैं, अतः ये अरेखित ऊतक कहलाता है। कैसा हो गया, अरेखित ऊतक। अब आती है नियंत्रण की बात, क्या हमारे शरीर के आंतरिक भाग जैसे आहार नाल की जो क्रिया है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कैसी हो जाएगी ये नियंत्रण के मामले में, हम अपनी इच्छा से नियंत्रण नहीं कर सकते, अतः अनैच्छिक। ठीक है, इन पर तंत्रिका तंत्र अरेखित पेशी ऊतक है ना, इस पर तंत्रिका तंत्र का के इस पर तंत्रिका तंत्र का अनैच्छिक नियंत्रण होता है, है ये अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। कैसी पेशियां होती हैं ये, अनैच्छिक मतलब इन पर हम अपना नियंत्रण अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। अब तीसरा आता है, तीसरी जो पेशी आती है वो हृदय की पेशियां। ठीक है, हृदय की पेशियां, कार्डियक मसल्स। हृदय की पेशियों में क्या है कि वो उपस्थिति कहां होगी उनकी, नाम से पता लग रहा है हृदय में, हृदय की पेशियां हृदय में उपस्थित होती हैं, और ये अनैच्छिक प्रकार की होती हैं और रेखित होती हैं। तो तीसरी है हृदय की,
हृदयी पेशियां या कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो मैं दोनों शब्द लिख देता हूं यहां पर, हृदय पेशियां या कार्डियक मसल्स। ये हृदय में उपस्थित होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इनकी नेचर कैसी होती है, अनैच्छिक प्रकार की हैं और रेखित है, अरेखित नहीं है, बस ये यहां ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें चेंज है, ये अनैच्छिक एवं रेखित प्रकार की पेशियां हैं। कैसी है, अनैच्छिक है और रेखित है, मतलब इनका नियंत्रण अपनी इच्छा से हृदय की पेशियों पर, मतलब जो अरेखित, जो अनैच्छिक पेशियां जा रही, सब पर हम अपना नियंत्रण, जैसे मान लो हमारी श्वसन तंत्र की जो पेशियां हैं, स्वतंत्र तंत्र की पेशियों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए आप श्वसन क्रिया, गैसों का आदान प्रदान रोक सकते हैं, लेकिन आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप चाहें श्वसन क्रिया को बढ़ा दूं, कम कर दूं, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो कंकाली पेशियां हैं, जो हमारी मस्कुलर मसल्स हैं, जो स्केलेटन वाली मसल्स हैं, जैसे अपने हाथ वाली, तो इनको हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको ऐच्छिक पेशियां, और जिन पर हमारा इच्छा अनुसार नियंत्रण नहीं होता उन्हें बोला जाता है अनैच्छिक पेशियां। तो ये आप चिकनी पेशियों के बारे में आप लिख चुके हैं, और हृदय की पेशियों के बारे में आप लिख चुके हैं। अब अपना तीसरे नंबर का आएगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, देखो तंत्रिका ऊतक क्या होता है, ये हमारे शरीर में जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, उन उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया और शरीर की जो क्रिया है उनके नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो वातावरण के प्रति उत्पन्न उद्दीपनों के, वातावरण के द्वारा उत्पन्न उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया एवं शरीर के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी जो ऊतक होगा वो कौन सा होगा, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो उद्दीपन के फलस्वरूप शरीर की अनुक्रिया एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार उतक, जिम्मेदार उतक तंत्रिका उतक कहलाता है। अब इस ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिन्हें न्यूरॉन या
तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या करती है? तंत्रिका कोशिका उद्दीपनों को ग्रहण करेगी और उनका संचरण भी करेगी। तो तंत्रिका कोशिका उद्दीपनों को ग्रहण करके उनका संचरण करती है। अब देखो ये न्यूरॉन होता क्या है और कैसा होता है, ये हम देख लें। तो न्यूरॉन की संरचना यह बनाऊंगा मैं चित्र। देखिए न्यूरॉन के क्या है, मुख्यतः न्यूरॉन में तीन भाग होते हैं, कोशिका काय, केंद्रक और एक तंत्रिका अक्ष। ठीक है, इस तरह से देखो, एक इसका कोशिका काय होता है यहां पर, यह है कोशिका काय, और यहां मध्य में पाया जाता है इसका केंद्रक, और यह पूरा का पूरा यहां पर द्रव्य भरा हुआ है इस तरह से। ये तंत्रिकाक्ष और इसके यहां पर आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन आवरण, माइलिन अक्षत कहते हैं। इस तरह की संरचना है न्यूरॉन की। यहां पर दुर्मास्म पाए जाते हैं, टेंटिकल नुमा संरचना है इस तरह से। यह है न्यूरॉन की संरचना। तो यह तो है द्रुमास्म, यह इसका तंत्रिका, यह इसका है कोशिका काय वाला भाग, ये केंद्रक है, और ये तंत्रिकाक्ष। ये दोनों भाग तंत्रिकाक्ष हैं, और ये माइलिन अक्षत, माइलिन शीथ, ये जो बनी हुई परत, ये माइलिन अक्षत। तो ये न्यूरॉन की संरचना आप बनाए पहले। तो ये न्यूरॉन का चित्र है, आपने बना लिया है। न्यूरॉन का चित्र आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि आगे भी आपके काम आएगा। तो न्यूरॉन का चित्र के बाद आगे हम देखेंगे अब इस न्यूरॉन के कार्य क्या होते हैं और किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका कार्य करती है, उसके बारे में संक्षिप्त डिटेल नहीं पढ़ेंगे हमें, सम क्या है ऊतक पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन अभी छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए, न्यूरॉन की संरचना बना ली हमने। न्यूरॉन की संरचना बनने के बाद अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये न्यूरॉन के यहां पर थोड़े थोड़े हम क्या संक्षिप्त में देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि एक तो ये उद्दीपनों को ग्रहण करेगा और उनका संचरण करेगा। तो तंत्रिका ऊतक उद्दीपन ग्रहण करके उनका संचरण करता है। संचरण का मतलब है अंग से मस्तिष्क तक संवेदना जाएंगी और वहां से जो उद्दीपन है, वहां से जो संकेत है, उनको सूचनाओं को लेकर के वापस अंग तक लेके आने का काम, संचरण करने का काम। ग्रहण करना और संचरण करना दोनों किसके काम है? इस तंत्रिका ऊतक के ही काम है। ठीक है, यूनिट है इसकी तंत्रिका कोशिका जो यहां पर काम करेगी। अब देखो, कोशिका का है द्रुमाश्म और तंत्रिकाक्ष, तो किस किस से मिलकर बनी हुई है? तंत्रिका कोशिका कोशिका का है द्रुमाश्म एवं कोशिका का है द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। से मिलकर बनी होती है। इनसे मिलकर के इस तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिका में जो संकेत होते हैं, वो संकेत किस रूप में जाते हैं वो देखिए। तंत्रिका कोशिका में संकेत विद्युत रासायनिक मतलब यहां पर विद्युत रासायनिक मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट होगा और रासायनिक क्रिया भी होगी। तो विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में संचरित होते हैं। किस रूप में? विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में संचरित होते हैं ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है, इंपल्स कहा जाता है, जिन्हें आवेग या इंपल्स कहते हैं ठीक है। आवेग तो ये तंत्रिका ऊतक। अब तंत्रिका ऊतक के बाद अब पढ़ेंगे ऊतक तंत्र। देखो, कोशिका हमने पढ़ ली और कोशिका के बाद ऊतक पढ़ लिया, अब ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र मतलब अब हमें धीरे धीरे अंग का निर्माण करना है या अंग तंत्र इसको हम कह सकते हैं। तो उसकी बात करें, ऊतक तंत्र मिलकर के अंगों का निर्माण करेंगे और वहां से अंग तंत्र से शरीर बनेगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी कोशिका, कोशिका के बाद कोशिकाओं का समूह क्या है? ऊतक। और अब पढ़ेंगे हम ऊतक तंत्र ठीक है, टिश्यू सिस्टम। ऊतक तंत्र मतलब टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे पादप ऊतक तंत्र। हमें इस अध्याय में शॉर्ट में पादप ऊतक तंत्र ही पढ़ना है। जंतु ऊतक तंत्र के लिए अलग से हमारे पास पाठ है, आठ नंबर।
उसमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ पादक पादक ऊतक ऊतक तंत्र के बारे में ही अध्ययन करना है। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर वीडियो आएगा, उसमें आपको दिखाई देगा पादप ऊतक ऊतक तंत्र के बारे में। आ गया है, देखिए देखिए द टिश्यू सिस्टम, और इस टिश्यू सिस्टम हम किसका देखेंगे, प्लांट्स का ही देखेंगे। तो पादपों में जो ऊतक तंत्र है वो तीन प्रकार का होता है, एक बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा भरण ऊतक तंत्र, और तीसरा संवहनी ऊतक तंत्र। देखिए इसके तीन भाग बट गए, ये पहला एपिडर्मल बाह्य त्वचीय ऊतक, दूसरा है भरण ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम या संवहनी ऊतक तंत्र। तो पादपों में तीन प्रकार का हो गया, एक तो बाह्य त्वचीय है, दूसरा ग्राउंड और फंडामेंटल, और तीसरा वैस्कुलर और कंडक्टिंग। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले एपिडर्मल, ये देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यहां पर आपको इस तरह से दिखाई देगा, और इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां आ गया, तो ये रहेगा यहां वाही है त्वचीय ऊतक तंत्र, बताऊंगा अभी आपको। पहले आप इधर बोर्ड पर देखिए, ये आ गया आपके वाही है त्वचीय ऊतक तंत्र। ये जो पौधा है उस पौधे के बाहर, अभी आपको चित्र में दिखाया था कि ये जो पौधे का तना है, ठीक है, तने का सेक्शन लिया है हमने, और इसके बाहर वाला जो ये जो बाहर वाला भाग होगा यहां पर, ये जो बाहर वाला वाला, इसमें रोम भी होंगे, स्ट्रोमेटा भी होंगे, ये जो भाग है, ये जो संरचना है वो इसी में पाई जाएंगी। ठीक है, बातरंध और छोटे छोटे रोम अभी चित्र में दिखाए गए थे आपको। तो इस तरह का जो ऊतक तंत्र है वो तो आएगा बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पौधे का सबसे बाहरी आवरण है, पहली बात समझते जाए आपको, ये पौधे का सबसे बाहरी आवरण है, सबसे पहली बात। इसमें रंध्र, रोम व त्वचीय कोशिकाएं आती हैं, जो इस पौधे की बाहर की जो त्वचीय कोशिकाएं हैं वो किस कौन से सिस्टम में आएंगी, कौन से टिश्यू सिस्टम में आएंगी, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंदर। ठीक है, ये कोशिकाएं मृदुतक की बनी होती हैं। कैसी बनी होती है, मृदुतक की, मतलब उसमें फ्लैसी पार्ट ज्यादा होता है। ये कोशिकाएं मृदुतक से बनी होती हैं। किसकी बनी हुई है, मृदुतक की। बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इनके बाह्य सतह पर एक मोम की परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो इसकी बाह्य सतह पर मोम की परत क्यूटिकल पाई जाती है। फटाफट याद हो जाएगा चीजें आपको, भाई इसमें क्या है, बातरंध है, रोम है, और त्वचीय कोशिकाएं हैं, सारी की सबकी सब किसकी बनी हुई है, मृदुतक की बनी हुई है। यहां पर क्यूटिकल पाई जाती है, जो पौधे की जो छाल होती है ना बाहर, वो क्यूटिकल वाला भाग है वहां पर उपस्थित होती है। अब एक ही चीज का काम समझा देता हूं मैं, रंध्र। रंध्र क्या करेंगे, ये जो बाष्प उत्सर्जन की क्रिया है उस बाष्प उत्सर्जन की क्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे रंध्र के द्वारा। ठीक है, और गैसों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करने का काम, बाष्प उत्सर्जन और गैसों का संवहन करने का, आदान प्रदान करने का काम किनका है, रंध्र का। रोम क्या करेंगे, ये रोम उस तने की त्वचा पर उपस्थित है, जो तना है पौधा है उस पौधे की, संपूर्ण पौधे की त्वचा पर उपस्थित है। रोम क्या करेंगे, इस बाष्प उत्सर्जन क्रिया को कम करने का काम करेंगे वहां।
ठीक है, ये हो गया। और त्वचीय कोशिका है उसका बाह्य आवरण पूरा का पूरा पौधे का बना ही रही है। तो ये इनके अलग अलग तीनों के काम यहां पर हो गए। तो एक एक को देखते हैं। अब देखिए आप स्क्रीन पर देखिए दोबारा से, यहां ये देखिए, यहां पर ये रोम बनाए हुए हैं, देखो चार तरफ क्यूटिकल बनी हुई है रोम, ये इसका बाह्य भाग है। अब आगे चलते हैं हम, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट समझाया जाएगा। यहां पर नेम इंग्लिश में लिखे हुए, मैं हिंदी में बोल दूंगा आपको। ये sciencetus.com से लिया है हमने। ये ट्राइकॉम्स और हेयर्स, जो भी मैं बात कर रहा था मैं, रोम, ये हेयर्स है, ये एपिडर्मिस, जो त्वचीय कोशिका जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एपिडर्मिस यहां पर ये उपस्थित है इसकी। सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस सेल, ये उसी प्रकार की कोशिकाएं त्वचीय कोशिका में ही आ रही हैं। क्यूटिकल, देखो क्यूटिकल आ गया, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। देखो क्यूटिकल के बारे में बात आई, अभी क्यूटिकल क्या कर रही है, जो वाटर लॉस पौधे की सतह से हो रहा है, उस पौधे की सतह से होने वाले वाटर लॉस को, जल हानि को, क्योंकि जल हानि होगी तो जड़ों से जल उतना अवशोषण मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा, और अगर उसकी मात्रा संतुलित नहीं रही दोनों आपस में, मतलब पानी बाहर निकलने वाला पानी और जड़ के द्वारा अंदर लिए जाने वाला पानी संतुलित नहीं है, तो पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए पानी के लॉस को वाष्पशोषण क्रिया बोलते हैं, उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए काम क्यूटिकल करेंगे। और ये जड़ में नहीं होती क्यूटिकल, जड़ कहां होती है, भूमि के अंदर, तो उसमें क्यूटिकल एब्सेंट होती है। गार्ड सेल, देखो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के दोनों तरफ ये गार्ड सेल है, सुरक्षा कोशिका कह सकते हैं इसको हम, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा के क्या है, इसी जो क्रिया होती है बंद होना और खुलना उसमें सहायक होती है। ये पत्ती है और इस पत्ती में यहां पर डंबल शेप गार्ड्स, गार्ड सेल अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग हो, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग पादपों की कोशिकाओं में। अब इसके बाद देखिए आप, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता देता हूं, इधर आइए आप, कि जो रोम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये रोम जड़ में भी होते हैं और तने में भी होते हैं, ठीक है। तो जो उनको जड़ में होते हैं उनको मूल रोम कहते हैं, मूल रोम। ये मूल रोम, इनकी विशेषता होती है कि ये जड़ में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, जड़ में उपस्थित एक कोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, और इनके ऊपर मूल गोप नामक एक संरचना पाई जाती है जो मिट्टी के घर्षण से इनको नष्ट होने से बचाने का काम करती है। और ये करते क्या है, जल का अवशोषण। तो ये वाह्य त्वचीय ऊतक में ही पाए जाएंगे। साथ ही खनिज लवणों का भी अवशोषण, ये है मूल रोम। और जो तने में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं त्वचा रोम। कहां उपस्थित होंगे, तने पर, क्या करेंगे, एक को श्रवण की क्रिया करेंगे और वाष्प उत्सर्जन को कम करना, ये दोनों ये एपिडर्मल टिश्यू के ऊपर ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा टिश्यू है भरण ऊतक। भरण ऊतक क्या है कि ये बाह्य त्वचा ऊतक और संवहन ऊतक के बीच में पाया जाता है, संवहन ऊतक और बाह्य त्वचा ऊतक के बीच में। यहां पर एक चित्र आया था जब आपको पहले वहां से दिखाया गया था वीडियो, तो चित्र अभी दोबारा दिखाता हूं मैं, देखो आप, यहां ये देखो जो चित्र था,
ये देखिए, तो यहां ये तो बाह्य त्वचीय ऊतक हो गया, ठीक है, ये संवहन ऊतक हैं जो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो हैं, और ये जो बीच में जो दोनों के बीच में है यहां पर, ये है भरण ऊतक। ये क्या है? भरण ऊतक है। तो ये बाह्य त्वचा और संवहन ऊतकों के बीच में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और तीसरा है संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक में क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम दोनों किसमें पाए जाते हैं? संवहनी ऊतक में। तो ये चित्र आपने देख ही लिया है, अब इसको आप एक बार इधर और समझ लें कि एक तो भरण ऊतक, बाह्य त्वचीय ऊतक, बाह्य त्वचीय ऊतक हमने देख ही लिया, दूसरा है भरण ऊतक। ये क्या है? बाह्य त्वचीय ऊतक और संवहन ऊतक के मध्य में फ्लेशी पार्ट है। दोनों के बीच में कैसा पार्ट है? ये फ्लेशी पार्ट है। और इसमें क्या है कि जो जल, इसमें क्या होगा कि अनेक प्रकार के दृढ़ ऊतक और इस प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर उपस्थित होंगी। और तीसरा आता है संवहनी ऊतक, इसमें वही एक तो जाइलम और फ्लोएम दोनों इसके अंदर आएंगे। अब जाइलम के बारे में हम डिटेल पढ़ ही चुके हैं हम, कि वो चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ऐसी फ्लोएम में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और इनका काम क्या होता है जाइलम का? जड़ जड़ से लेकर के पत्ती तक वहां क्या करना है? जल का संचरण करना है। और फ्लोएम का काम जो पत्ती में जो वजन का निर्माण हुआ है उसको पूरे पौधे के अंदर वितरित करने का काम किसका होगा? ये फ्लोएम का। ऐसी, अब ये तो पादप ऊतक थे, अब जंतुओं में, तो जंतुओं में भी इसी प्रकार जो ऊतक हैं वो मिलकर के ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इन ऊतक तंत्रों में जैसे श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तो इस प्रकार के सभी तंत्रों का निर्माण किससे हो रहा है? समान प्रकार की कोशिका मिलकर ऊतक बना रही है और उनसे वो का निर्माण हो रहा है, और उनके निर्माण होकर के पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो वो जंतुओं के बारे में हमें यहां ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, पादपों के बारे में हमने पूरा ऊतक तंत्र का अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार से ये पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम अगला पार्ट शुरू करेंगे अगली क्लासों से। नमस्कार।